और फाइनली हमें दिख रहा है माउंटेन ऑफ स्नो, वो सामने जो है ना वो है बर्फ़ का पहाड़। और ये जो हमारी खोज थी यहाँ पर आके पूरी होती है, क्योंकि बर्फ़ का सीज़न अभी है नहीं, एक महीने के बाद है। बर्फ़ अभी जो इतनी दिखनी थी बस यहीं से दिख रही है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी डरावना भी लग रहा है, सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ बर्फ़ का। बट अभी यहाँ से वापस चलेंगे। इस जगह का नाम है रानीखेत, ये नैनीताल से कुछ 40 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग 40 किलोमीटर दूर चल के आए और अब यहाँ से वापस जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हम देख सकते हैं बहुत दूर तक सिर्फ हरियाली है, पहाड़ है, बर्फ़ के पहाड़ काफ़ी दूर है। वहाँ तक जाने में हम लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी और वहाँ तक जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल टाउन ऑफ रानीखेत, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये मेरा सेकेंड टाइम है यहाँ पर आने का। बर्फ़ छूने को तो नहीं मिली, लेकिन देखने को ज़रूर मिल गई। तो हमारा जो मकसद था, हमारा जो मोटिव था, वो पूरा तो नहीं लेकिन लगभग पूरा हो ही गया। और यहाँ से हमने पता किया तो ये दिख रहा है ये, और बेसिकली वो जो सामने सफ़ेद पीक दिख रही है वो है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो इंडिया का सेकेंड टॉलेस्ट माउंटेन है, उसकी पीक है नंदा देवी। ये सीन, अब चलते हैं यहाँ से, करते हैं इस वीडियो को बंद, मिलेंगे कुछ देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। सुबह के 7:30 और हम हैं अभी रामनगर में, और ये पीछे दिख रहा होगा कॉर्बेट, तो पता लग गया होगा कि रामनगर में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कल की काली रात जो है वो ख़त्म हो गई थी, इतनी डरावनी रात थी। जो लोग रानीखेत से रामनगर आते हैं तो पूरी रात इस तरह की जो रोड है ना, आवाज़ करती रही, सोने में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ। और जो भी लोग रानीखेत से रामनगर आते हैं उनको पता होगा कि रास्ता कैसा है और रात का टाइम कैसा हो जाता है, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक हो जाता है, डरावना हो जाता है। बहुत पतली पतली रोड है पहाड़ पर चढ़ने की, सामने भी पहाड़ पहाड़ दिख रहा है, छोटा छोटा पहाड़ दिख रहा है अभी, लेकिन जब चढ़ोगे ना खूब बड़ा बड़ा पहाड़ लगता है। और आज का प्लान ये है कि ऐसा प्लान बना रहे हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाएंगे। एक बार और हम आ चुके हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन गेट से ही बाहर चले गए, तो कुछ इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार शायद जाएंगे, देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। बाकी ये नीचे हमारी कार खड़ी हुई है, सामने हाईवे है, पीछे पहाड़ है, और जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो पीछे साइड है, मतलब इस तरफ पूरा है, तो उस तरफ जाएंगे। अभी नेट पर पढ़ रहे हैं तो पता चला कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो ऑनलाइन बुकिंग भी कराना पड़ेगा, तो क्या है कैसा है सब चीज़ बताएँगे, कहते हैं।